मुस्लिम भाइयों का पवित्र त्यौहार शब बरात 9 तारीख को यानी कि 9 अप्रैल को होने जाना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक मुस्लिम समाज के कुछ बुद्धिजीवियों के साथ की गई। हालांकि यह त्यौहार सभी धर्म के लोग यहां पे सिवान शुरू से ही कौमी एकता का प्रतीक रहा है और सभी त्यौहार को दोनों धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मीटिंग से होकर के बाहर निकले हैं, इनसे बात करेंगे कि आज जो यहाँ पे जिलाधिकारी या तमाम जो अधिकारी थे इन लोगों के साथ बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए शबे बारात को लेकर के? यही निर्णय लिया गया है कि शबे बारात जो होगा हम लोग घर पे ही फातिहा पढ़ लेंगे या नमाज जो भी इबादत होगा घर पे ही करेंगे लोग, यही बात हुई है। अब आम लोगों से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग भी घर ही पे पढ़ें जी। और पहले तो बाहर जाते थे लोग रात में कैंडल वंडल जलाने के लिए भी, अब इस वक्त इस वक्त ऐसी परिस्थिति है कि पूरा हर आदमी जो है परेशान है, और ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने किया है ये चीज़, ये तो आम जनता के आम आदमी के जीवन को बचाने के लिए हुआ है। तो जब हम लोग नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं मस्जिद में जाके, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सब लोग जो है अपने अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि लोग घर ही पर अपना पढ़ें। आप बताइए क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो कि जाते थे शबे बारात के समय और उस तरह से वहाँ पे इबादत करते थे, तो आज जो मीटिंग हुई और कोरोना जैसी महामारी से बचना भी है, ऐसे में क्या अपील होगी आपकी? शबे बारात इबादत की बात है, रात है, और वो रात में अपने घर में इबादत किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए हम सब के लिए अच्छा होगा। ऐसी कोरोना ऐसी बीमारी महामारी फैली है जो किसी के हाथ में काबू में नहीं है, तो हम सबसे अपील यही करेंगे कि आप अपने घर ही में इबादत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, कि हम लोग के जो पूर्वज इस गुजर चुके हैं इस दुनिया से उनको बहुत अच्छा महसूस हो। और बहुत अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद उमर फरीद। आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत भी हुई, अब यहाँ पे हमारे साथ इजहार जी मौजूद हैं। इजहार जी, कौन कौन से लोग मौजूद थे इस बैठक में, आज जो बैठक हुई अधिकारियों के साथ, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे आपके समुदाय से? देखिए आज जो बैठक बुलाए थे हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने, तो हमारे शहर के जितने इमाम मस्जिद के इमाम थे, मौज़िन थे, सभी बुद्धिजीवी थे, शांति समिति के भी कुछ लोग थे, और सब लोगों ने ये तय किया कि इस बार चूँकि पूरे देश में महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, तो इसको देखते हुए हम लोग इस बार इबादत जो है शबे बारात के दिन अपने अपने घरों में करेंगे, नमाज़ें अपने घर पर पढ़ेंगे और दुआएं अपने घर पे ही पढ़ेंगे। तो क्या अपील होगी हमारे चैनल के लोगों से, चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से, जो लोग उस दिन शबे बारात के दिन इबादत के लिए जाया करते थे लेकिन इस लॉकडाउन में कोरोना से बचना है, तो ऐसे में आपकी अपील क्या होगी? हमारी सिवान जिला वासियों से पूरी ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस महामारी के घड़ी में आप धैर्य रखें और अपने पर्व को उसी तरह मनाएं, अपने घरों में बैठ के मनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कब्रस्तानों तक जाएं, मज़ारों तक जाएं, आप वो दुआ अपने घर पे भी पढ़ें और घर से ही अपना सारा कुछ ये करें इस बार, और रहेगी ज़िंदगी, अल्लाह सलामत देगी, इंशाल्लाह अगले साल हम लोग फिर सड़क पे ही आएंगे। जरूर जरूर। आप बताइए पिंकू जी, क्या कुछ अपील होगी शॉर्ट में? लॉकडाउन के तहत हम लोग नमाज शुक्रवार का भी नमाज हम लोग घर ही पढ़ रहे हैं, और कोई मस्जिद में भी अभी नमाज नहीं, सिर्फ अजान होता है, अजान के साथ जो उसमें के पेशीमाम रहते हैं और जो मौजिन रहते हैं वही नमाज पढ़ते हैं। और लॉकडाउन के तहत हम लोग सब रात जो धूमधाम से हम लोग मनाए जाते हैं नहीं मनाएंगे, अपने अपने घर में ही इबादत करेंगे। और सिवान जिला वासियों से अपील है कि अपने अपने घर शांतिपूर्वक सब रात मनाएं शांतिपूर्वक। आप सर क्या कहना चाहेंगे इस बैठक में, किन कौन कौन से लोग आए थे और क्या कैसे वो लोगों के बीच जा कर के संदेश देंगे कि आज जो बैठक हुई है शबे बारात के दिन अपने अपने घरों से ही इस त्यौहार को मनाएं? 9 तारीख को शबे बारात का दिन फाइनल हुआ है और लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए हमने निर्णय लिया है कि घर में ही शबे बारात मनाएं और घर पे ही नमाज पढ़े, तिलावत करें। जरूरी नहीं है कब्रस्तान जाएं, हम लोग घर पर भी ये काम हो सकता है, इसलिए लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग ने ये निर्णय लिया है।